शक्ल दिखाओ इधर। नहीं 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 ऐनक पहन के जैसे किसी बो बकरे को नहीं ऐनक बनाई होती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इतने टाइम बाद आने का तो हमारा मैं व्लॉग काफी टाइम बाद डालने की मेन वजह कोई भी नहीं है, बस दिल नहीं करता तो नहीं बनाते। और अब वारिस भाई से मैंने पूछा था कि मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल हो रहा है DHA के अंदर, और वारिस भाई से मैंने पूछा कि चले वहाँ पे। अब आप पीछे हारिस भाई की तरह मुंह तो नहीं बना रहे जैसे हारिस भाई बनाते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम है, हम वहाँ चल रहे हैं DHA अरीना में हो रहा है। DHA अरीना में हो रहा है मैंगो फेस्टिवल, और वहाँ पे एक जू भी है, अगर टाइम निकला तो वहाँ का फिर चक्कर लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले वारिस भाई कह रहे हैं कि मुंह का टेस्ट खराब हुआ है, अब मुंह का टेस्ट ठीक करने जाना है हमें। और वो तो आपको पता है कि मेरा मुंह का टेस्ट कैसे कैसे अच्छा होता है, ये अंगूठा चूस के। यहाँ पर आम की 70 से ज़ायद इकसाम रखी गई थी। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आम पंजाब में उगाया जाता है, और यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में भी आम को एक्सपोर्ट किया जाता है। और मुझे तो इस फेस्टिवल पे जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरी आम की सबसे फेवरेट काइंड है अनवर रिटोल, जिसको मैं पहले अनवर लटोर समझता था, लेकिन आम के बारे में तो मिर्ज़ा गालिब ने ठीक कहा था कि एक तो मीठा हो और बहुत सारा हो। तो जी DHA अरीना के अंदर से वापस आ गए, वहाँ पे कुछ ना बेसुरे से सिंगर बुलाए हुए थे उन्होंने, सारा माहौल ख़राब कर दिया। वहाँ पे एक दो बार बोलने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी आवाज़ उनकी ऊँची थी और इतनी बेसुरी थी कि भाई कह रहा था मुझे उतार दो भाई। तो बार बारिश के निकल पड़े हैं हम लोग DHA अरीना से। अब हम DHA का टूर कर रहे हैं इस टाइम। This is DHA, और DHA जैसे कराची में डिफेंस कहते हैं इसको, इधर DHA बोलते रहते हैं, तो एक ही चीज़ है, एक ही बाग की मूली है। दूसरी बात यह कि DHA मुल्तान का ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का इन्होंने बनाया है, और प्लानिंग इस तरह की है, डेवलपमेंट इस तरह की है, जैसे लाहौर में आप देखेंगे बहरिया टाउन और इससे इस तरह की मिलजुली, मेरे हिसाब से तो मैंने बहरिया टाउन ऐसा देखा है जो इस तरह का डेवलप्ड हो, और इस तरह का मैंने कोई यहाँ पर ऐसी कॉलोनी मुल्तान में देखी नहीं है जो इतनी इतनी वेल डिवेलप्ड हो और बहुत कमाल कॉलोनी बनाई है सीरियसली। और यहाँ पे दो चार जो
लोगों के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन जगह है, जू बना दिया, अरीना बना दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ज भी क्या सीन है, पुलाव का है सीन? पुलाव है, चलो यहाँ पर हम चल रहे हैं पुलाव खाने। यहाँ पे मेरा घर है जो उसके बिल्कुल पास एक जगह है, वहाँ पे हम पुलाव खाने चल रहे हैं। तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको वीडियो। और इतनी देर बाद बनाने की वजह यही होती है कि जाने का मौका बड़े टाइम बाद मिलता है। अब तकरीबन मुझे भावलपुर से आए हुए महीना हो गया और महीने बाद ये वीडियो आ रही है, तो आप समझ जाएँ कि अभी मैंगो फेस्टिवल हुआ तो एक वजह बन गई वीडियो बनाने की। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बारिश भाई के चैनल को ना करें, मेरे चैनल को करें ज़रा। तो इसी तरह अगली वीडियो में मिलेंगे। शाला वाह जी वाह, सुभान अल्लाह।